हरियाणा के रोहतक में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई। शहर में चारों तरफ पानी ही पानी होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। गुस्साए लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए। प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन गई। वहीं बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हुई। अंडरपास में कमर तक पानी भर गया। तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। लोग इस जल जमाव को लेकर काफी परेशान हैं और स्मार्ट सिटी का यह हाल देखकर हैरान हैं। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नरसिंहपुर सर्विस लेन में अभी भी भारी जल भराव जैसी स्थिति है। लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी एनएच 48 के लगती सर्विस लेन के हालातों में कोई सुधार नहीं आया है। सहारनपुर में कल से हो रही बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया। स्कूल जलमग्न हो गए। वहीं 100 फुटा रोड पर बारिश के पानी से हुए जलभराव में तो आना जाना ही मुश्किल हो गया। बारिश से हुए जलभराव में फंसी एक गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकलवाया गया, जिसके चलते बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर नाला बना दिया गया है, लेकिन आगे पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण बारिश होते ही यहाँ पर पानी भर जाता है। अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते मकान का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया, जिससे मलबे में दबकर पालतू कुत्ते की मौत हो गई। मकान में सो रहे 9 लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को सही सलामत बाहर निकाला। हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए।